वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन हो चुके हैं फर्स्ट तरीके से रेडी, क्योंकि आज अपने को लूज पहनना था, इसीलिए क्योंकि आज अपनी ड्राइव भी लंबी होने वाली है। यहाँ से अपन जा रहे हैं सीधा गुड़गांव। और पता है सुबह क्या हुआ? कांड बताऊँ क्या हुआ भाई। सुबह सुबह मैं वहाँ जाके बैठा, सब बैठते हैं वहाँ जाके, वहाँ बैठा, उस बाल्टी में पानी नहीं, उस नल में पानी नहीं, इस जेट में पानी नहीं, और यहाँ पे भी पानी नहीं। अब सोचो क्या डिफिकल्ट सिचुएशन में। अज्जू को फोन भी नहीं कर सकता कि फोन अंदर नहीं लेके आया। थैंक यू किल्ले। तो लग रहा है कि मैं मजाक में कह रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मजाक में नहीं, मैं बहुत सीरियस था। हाँ भाई सच्ची में पानी नहीं। और बाहर का टेम्परेचर, ओहो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। कैमरा पलटने दो जी। ये है कुछ यहाँ के नज़ारे, पंछी आहा, गुड़गांव में तो दिखते नहीं। और ये वैली का व्यू, इस होटल में मैं पहले भी रुक चुका हूँ, मुझे पता है कि ये सारे रूम्स ना वैली का व्यू देते हैं। और बहुत ही सेक्सी है यार। बाहर ना आज धूप नहीं निकली यार, मतलब उस साइड तो फिर भी दिख रही है, अदरवाइज बादल देखो क्या ज़बरदस्त है ना भाई। तगड़े बादल यार, बहुत ही तगड़े बादल। तो अभी यहाँ से रेडी होते हैं, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। यहाँ से रेडी होंगे और सीधे निकलेंगे गुड़गांव के लिए, क्योंकि अपने को ट्रिप करते करते ना 7-8 दिन हो चुके हैं। और 7-8 दिन से ऑफिस का पूरा काम वगैरह सब चीज़ मैं फ़ोन पे मैनेज कर रहा हूँ। फिर वीडियो कॉल, फिर कैमरा का एक्सेस, तो वो सारा कैमरा, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, किस गाड़ी पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, अभी यहाँ पे इस नज़ारों को थोड़ा सा बाय करते हैं। 2 बजने वाले हैं, 2 बजे निकलते हैं यहाँ से सीधा गुड़गांव के लिए। मारकंदा आप आ रहे हो ना तो यहाँ पे रुक सकते हो पीयूष में, क्योंकि यहाँ पे ना होटल अच्छा है, और दूसरा कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, स्टे भी अच्छा है, रूम हीटेड है, तो ठंड में भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये रही अपनी गाड़ियाँ मटमैली हो गई हैं। हाँ आगे नंबर का तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार गुड़गांव पहुंचूं फिर थोड़ा बताता हूँ नंबर का क्या हिसाब किताब है, क्या फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। हाँ बाकी ठीक है, अभी गाड़ी यहाँ से टर्न करते हैं और फिर निकालते हैं। भैया को मैंने कहा भैया थोड़ी हेल्प करवा देना, क्योंकि साइड में बहुत बार ना कैमरे से भी ना वो ब्लाइंड स्पॉट बहुत बार पता नहीं चलता। कैमरा हल्का सा साफ़ कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी अपनी क्लियर रहे भाई। हाथ से ही कर लेता हूँ, कौन अब कपड़ा निकालेगा, अब सीधे जाके साफ होगी। आजू भाई अपना सामान रखो, घर पे साफ होगी भाई। घर पे मतलब रेड कारपेट, ईटीयू स्टूडियो रेड कारपेट पे साफ होगी। बस यही छोटा सा चीज़ साफ किया है भाई, बहुत बड़ी है यार। 0.5 है ये 1x है, 1x में तो आती भी नहीं, 0.5 में भी देखो पूरा स्क्रीन छिक गया है। पार्किंग में ना इतनी बड़ी गाड़ी घुमाना भी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और फिर एकदम किनारे से काट के इसको ऊपर ले जाना, दोनों साइड देखना पड़ता है। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। भाई हीटेड और हीटेड सीट और हीटेड स्टीयरिंग ऑन कर दिया है। गाड़ी अंदर पार्किंग में थी ना तो काफ़ी अंदर से ठंडी हो गई थी, और एसी वेसी सब ऑफ है, कुल ऑफ। अब खाना हमने यहाँ पे खाया नहीं, खाना हम ना जहाँ पे कुफरी में लास्ट टाइम रुके थे ना उसके बगल में जो एक ढाबा था, बहुत अमेजिंग खाना था यार उसका, बहुत अमेजिंग खाना, चाय वाय सारी चीज़ें बहुत मस्त थी, तो वहीं पे जाके खाएंगे। बाकी अभी निकल गए। मौसम काफ़ी अच्छा है यार, मौसम यहाँ पे ना काफ़ी ख़राब सा, मतलब जैसे बर्फ़ वाला होता है ना वैसे पूरे क्लाउड्स थे। कल रात में भी जब आए थे तो बारिश हो रही थी, और दिन के टाइम पर अभी भी पूरे क्लाउडी है भाई। अपने गाड़ी में वैसे तो डीजल था, लेकिन फिर भी यहाँ से ले लेंगे ना तो सीधा अपना घर पे रुकेंगे। 450 किलोमीटर का रेंज बता रही है, मतलब पूरा हो जाएगा तो 450 किलोमीटर तक का चल जाएगी 70 लीटर में। अभी इसमें आएगा अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 50 लीटर के करीब। कितने की एवरेज निकाल रही है? 5.5 ना, तो मेरी भी 6.8। कल हमने बहुत गाड़ी, कल अगर हम नॉर्मल चलते ना तो 8-8.5 का एवरेज आता। अभी मेरा ओवरऑल ट्रिप की मैं बात करूँ तो 6.8 का एवरेज उतनी है। ओ मैं तो ओवरऑल ट्रिप का देख रहा हूँ। चलो अगर मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ ना, अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा सुबह 10 से 11 बजे तक निकल जाता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ कि 10 से 11 बजे तक, अगर डिस्टेंस लंबा है, ताकि दिन दिन में कवर हो। अज्जू भाई के साथ रहते रहते मेरे को 1, 2, 3 ऐसे भी निकला हूँ, ठीक है। और फिर रात में चलाते हैं, क्योंकि 2 गाड़ियाँ रहती हैं तो रात में बहुत मज़ा आता है, दोनों सूद बांध के गाड़ी चलती है। यहाँ आए थे, मैं तो केक खा लिया, कैरेट हनी केक। अज्जू भाई पता नहीं कहाँ रह गए, वो ना शायद आगे निकल गए, तो उनके लिए भी एक कॉफ़ी उठा लिया है। और यहाँ से निकलते हैं, एक तो ये कॉफ़ी लेके कैसे जाएंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना। कॉफ़ी तो उठा लिया जी हमने 2। भाई फॉर्चुनर में ना एक चीज़ बहुत सही था कि यहाँ पे ना आप ना कॉफ़ी वॉफ़ी रखने के लिए ना, मतलब ये गेयर के बीच में नहीं आता था। अभी क्या है ना कि इसके ऊपर एक डंडी लगा हुआ है ना, अब ये डंडी ना गेयर के बीच में आता है। मतलब गेयर वैसे चेंज नहीं करना है, बट फिर भी यार मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। आप हाथ ना आर्मरेस्ट पे रखते हो ना, तो वो डंडी बीच में अड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अज्जू भाई कितने आगे पहुँचे। वैसे तो बोल रहे थे कि कहीं पे आगे वेट कर रहा हूँ, अब देखते हैं कहाँ पे हैं। फिर उनको पकड़ाऊँ उनकी कॉफ़ी, क्योंकि गाड़ी में रहेगी तो इधर उधर हिलते हिलते ना गिरेगी। और जब तक कॉफ़ी है तब तक तो गाड़ी धीरे चलेगी। भाई पंचकुला से अपन एग्जिट हो चुके हैं, वापस से आ गए नेशनल हाईवे पे। ये अम्बाला वाला रोड है। अब यहाँ से थोड़ा दूर और जाएंगे, फिर अम्बाला वाले रोड में मिल जाएंगे। मतलब ये बेसिकली चंडीगढ़ अम्बाला को कनेक्ट करता है। और मिला जुला के आज संडे होने के बावजूद भी ना अपने को ज़्यादा रोड पे ना मूविंग ट्रैफिक मिला। मतलब 1-2 जगह तो जाम था, सोलन के पास, शिमला के पास, बट बाकी तो ये वाला मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे गाड़ियाँ मिलेंगी, बट इट्स ओके। कभी कभी कहते हैं ना कि अपनी नज़र लग जाती है। इतने देर से कह रहा था ना कि भाई ट्रैफिक नहीं मिला। भाई पिछले आधे 45 मिनट से खड़े हैं यहाँ पे, पिछले 45 मिनट से, और ये देख लो भाई हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पता नहीं आगे क्या भसड़ है यार। क्या हुआ, तबीयत कैसी है अभी? मुझे लगता है ना आपको ना थोड़ा गैस हो गया है, इसीलिए ना सर दर्द और ये सारी चीजें हो रही है। अरे गैस नहीं यार, वो वेज मोमोज खाए ना यार, उससे वॉमिटिंग हुई तो जोर लगा, सिर पे लगा हिट हुआ, उससे हो गया मेरा। अरे भैया वो गैस की वजह से भी हो सकता है कि मोमोज खाने की वजह से गैस हो गया। हां तो साड़ी की सुई लेके सिर में, वो पेट में मार दे मेरे। पदोड़े पदोड़े बने हो अभी, पाद रहे हो। हमेशा हम ना जग्गी पे रुकते हैं, इस बार हम यहाँ पे जग्गी से आ गए, क्योंकि जग्गी पे ना पार्किंग ही नहीं था यार, तो यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। और अभी देखते हैं अज्जू भाई को फ़ोन करते हैं कहाँ पहुँचे वो, शायद रुक ना गए हो, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी। अरे यार तुम बजा लो पहले। अच्छा अरे को आ रही थी बहुत तगड़ी नींद, तो अपन यहाँ पे रुक गए थे। ये पता नहीं क्या है, ग्रीक हाउस, और यहाँ पे ना रेडबुल लिया, रेडबुल प्लस हाई वाइटमिन जीरो शुगर। ये कुछ नया है, पहली बार ट्राई करूँगा मैं सोचा एक बार आपको भी दिखा दूँ। पता नहीं आपने पिया है। न्यूट्री ग्रेड B, पता नहीं इसका क्या मतलब है, एंड जीरो शुगर लिखा हुआ है। बाकी ये टेस्ट कर लिया मैंने भाई, ठीक है। अब मूर्थल पहुँचने वाले भाई, अब यहाँ से चलते हैं। भाई बहुत सारे इस पर्टिकुलर हाईवे पे ना बहुत तगड़े तगड़े ढाबे हैं यार, बहुत तगड़े तगड़े ढाबे। किसिंग, ये क्या चल रहा है भाई? हैं किसिंग, चलो कुछ ना कुछ होगा, कभी दिन के टाइम पे आके देखेंगे। ना मैं सीधे ऊपर चला गया था, इतना थका हुआ था। और मैंने भैया को स्पेशली बोला था भाई मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना, क्योंकि पता है क्या करेंगे भैया, इसी पे गीला कपड़ा मार के रगड़ देंगे। और भाई इस कंडीशन में काम वाले भैया ना सही काम नहीं करते, तो इसलिए अब इसको लेके जा रहे हैं ऑफिस, और वहाँ पे कराएंगे जी इसकी डीप क्लीनिंग। बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है इसमें, हाँ, क्योंकि बिना डीप क्लीनिंग के ना देख लो कितना मिट्टी लग रहा है। इतना मस्त सोया ना मैं, मतलब 7-8 दिन के जो माउंटेन का ट्रिप था ना, उसके बाद पूरा शरीर टूट गया था। और घर जाके यार आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्कूबी इज़ नो मोर। मेरे ट्रिप पे जाने से पहले जब 3-4 दिन व्लॉग नहीं आए थे, शी पास्ट अवे एंड कैंसर था उसको, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो जाने के बाद वैसे भी घर थोड़ा सा ना सूना सूना सा लग रहा था, अदरवाइज़ हमेशा जाके ना वो हमेशा वेलकम करती थी। तो मूड ऑफ था, कैमरा भी नहीं उठाया। बाकी अभी जा रहे हैं ऑफिस एंड इसको करवाते हैं। हज्जू भाई का ही फ़ोन आया, ठीक है वो भी आ रहे हैं। वो भी लगता है मेरी तरह लेट ही उठे हैं ना, वो सुबह आया था मैं, अब शाम हो रहा है और शाम में अपने को टाइम मिल रहा है कि अपनी गाड़ी हम धुलवा पाएँ। इसके लाइट्स भी ऑन हो गए ना भाई, क्या पावरफुल लाइट्स हैं। वैसे अभी इसको ले जाना है एटलीस्ट बाहर से, तो अभी धुलवा लेंगे यहाँ पे रख के ना। उस दिन से एलसी है ये ना, उस दिन से ये गाड़ी नहीं निकली, तो आज अपन प्लान कर रहे हैं इस गाड़ी को निकालने का। ये गाड़ी निकलेगी आज, अब कुछ दिन इसमें घूमेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इस गाड़ी से प्यार कम नहीं हुआ है भाई। अंदर से हालत देख रहे हो उसकी, हाँ अंदर तक ना मिट्टी और पानी। ये देखो इसमें जो कीचड़ में इसके साथ ऑफ रोडिंग हमने की थी ना, ये उसकी हालत है। पूरी भाई इंजन बे पूरा मिट्टी मिट्टी भर गया। ये देखो अब इसको भी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा इसमें मिट्टी आ जाएगा। फिलहाल अब ना किसी की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं और ये भाई आ रहा है हमारे लिए एक सरप्राइज़ लेके। सरप्राइज़ तो नहीं, सरप्राइज़ आपके लिए, हमें तो पता है क्या लेके आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल स्वाति, रितेश और मैं बैठे हैं। तो वो भाई आ रहा है, एक छोटा सा गिफ्ट तो आ गया है वहाँ पे ऐसे पन्नी में। 37.9 1 मंथ से ज़्यादा, दोनों एक ही बात बास्केट में ऐसे। ये हस्की है ना, दूसरा नहीं गिरेगा। हाँ? बम्बू हमारा वो एक्सपर्ट है ना। ओए मेरे पास आ रहा था। मम्मा अच्छा चाय इसके पास भी गंदे बच्चे के। ये तो घूमी करेगा ना, फंस गया, नीट फंस गया बाबू। क्या हुआ मम्मा? क्यूट सा इसकी आंखें देखो, एटीट्यूड में भाई बहुत एक्टिव है और वो शांत है, बहुत ही डरा हुआ लग रहा है। मतलब ऐसे थोड़ा सा ना लग रहा है कि डरा हुआ है। हाँ डरा हुआ है, थोड़ा सा डरा हुआ है। बड़ी मोटू है, हाँ मोटू है, क्यूट, फ्लफी। इधर आ, इधर ला। तुम्हारा भी एक बैच पैक होगा रोज ऑफिस आने के लिए। अब ये दोनों ऑफिस रहे, अब ये मेरे सारे जूते बचा के रखना। पापा क्या काम करेंगे हैं, पापा के सारे जॉर्डन के शूज खाएंगे हम लोग। और मेरे जूते बचा के रखना। ये तो पापा घूमी, हम लोग पापा के जॉर्डन के शूज खाएंगे, सारे सब खा के खराब कर देंगे। ये ज्यादा शांत है ना, गोल्डन रिट्रीवर ज्यादा शांत है। देखो ये वो चंचल है, ये तो वो बहुत एक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो। हाँ चलो भाई, अब इसके ना खाने वाने सब लेके सीधे चलते हैं घर। पापा मम्मी को भी तो दिखाना है ना, अभी उनको कुछ पता नहीं है, डांट भी तो खानी है ना तो कौन आने वाला है ना। आप उठा लोगे? हाँ भाई दोनों में से ना, ये देख रहे हो, इसको देखो। वो ये जो है ना, इसका नाम है, पता है इनका नाम बताता हूँ मैं आपको घर चल के। ये देखो कैसे इसको ना, ये बैठा ही नहीं यार उसमें। ये बिल्कुल मेरी तरह भाई, ये बैठा ही नहीं है। और मैं कैसे गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, इसको मेरे गोद पे बैठना है। हाँ एकदम धीरे धीरे। हाँ ये देखो ये ओए मोटू चल, ओए मोटू मार्टिन, दोनों दोस्त एक साथ नहीं रह सकते। चल इधर है मम्मा पास। मार्टिन अरे ये बहुत शरारती है, बहुत। ये बैठा नहीं केज के अंदर भाई। इससे पहले कि मैं इनके साथ खेलूं, ये देखो एक तो सो गया इधर मस्त तरीके से। तो दोनों का नाम है, एक का नाम है एस्टॉन और एक का नाम है मार्टिन। ओए मार्टिन क्या हुआ? ये देखो इधर जाके सोया है। ओए इसकी आंखें देखो कैसी आंखें, ब्लू आईज है ना, ब्लू। उधर नहीं सोना, इसको तंग हो रहा है। तो अभी एस्टन तो पापा के साथ है उधर, एक बार देखते हैं वो क्या कर रहा है। मार्टिन को सोने देते हैं, हाँ नाम भी गाड़ियों पे रखा है ना। ये देखो एक इधर बैठा है, इधर एक सो गया और दूसरा जगा हुआ है। क्या क्या इधर आ इधर आ। एक तो पापा के पास चला गया और एक मेरे पास। ठीक है मोटू तू भी सो जा, अभी थोड़ी देर में तेरे को खाना मिलेगा। चलो भाई कर देते हैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो बेटा थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब चैनल।